वादा या हिजाब भारी इस वक्त क्या पड़ता हुआ नजर आ रहा है लोगों के बीच? जी बिल्कुल, देखिए ये वेस्ट यूपी है और वेस्ट यूपी पहले से ही यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो किसानों का रहा है, और इस बार क्या हिजाब ने एंट्री मारी है? कई लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, ये बताएं आप कि सबसे पहले तमाम जो राजनीतिक दलों ने वादा किया इस इलाके में वेस्ट यूपी में गन्ना किसानों को लेकर, अब हिजाब वाला मामला आपने सुना है? कौन सा मुद्दा भारी पड़ रहा है, किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आप वोट डालने जाएंगे? नहीं देखिए, संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए, कॉलेज है उसमें बच्चे को पढ़ना चाहिए संविधान के अनुसार। हिजाब एक मुद्दा है, नहीं कि हिजाब ना भगवा, देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। अगर कॉलेज अपना ड्रेस कोड लागू नहीं करेगा। शुक्रिया ये बताने के लिए, मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप पर क्या असर पड़ेगा हिजाब वाले मुद्दे का? नहीं किसी का असर नहीं पड़ेगा, नहीं। गन्नों को लेकर जो राजनीतिक दलों ने वादा किया है कि गन्ना के भुगतान कर देंगे 10 दिन 15 दिन, क्या लग रहा है किसके वादे में? समाजवादी पार्टी गन्ना ने पहले भी, समाजवादी पार्टी जब आई थी क्या उसके बाद गन्ना का भुगतान जब भी हुआ था, और अब के तो रेट बढ़ा और किसी ने भी नहीं बढ़ाया, अब इन्होंने चलते टाइम रेट बढ़ाया ओनली 25 रुपीज। अब उसके बाद में अब जो है किसानों के लिए इन्होंने कहा कि क्या नाम है 14 दिन के अंदर हम क्या नाम है भुगतान कर देंगे, समाजवादी पार्टी ने कहा है। आप कुछ करेंगे? मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब पहले मोदी जी रैली करने आए थे मेरठ में पहले चुनाव में 2017 के में, तो मोदी जी ने कहा था कि अगर गन्ने का भुगतान हम 15 दिन में या 1 महीने में नहीं करेंगे तो ब्याज देंगे, और इन्होंने ब्याज का दिया, इन्होंने तो भुगतान ही नहीं किया। जो सुरेश राणा जी जो गन्ना मंत्री हैं उनके जिले में ही 2100 करोड़ रुपए बकाया है, और किसानों के लिए तो ये सबसे धोखेबाज पार्टी, ये कहते हैं हम आय दुगनी करेंगे, इन्होंने तो किसान बिल निचले पायदान में पहुंचा दिए। आप डीजल देखिए, और सबसे बड़ा आपने एक साल पहले देखा होगा किसान आंदोलन, 700 किसान शहीद हो गए। इलाके की जनता जो है वो वोट डालने जाएगी तो किन मुद्दों को ध्यान? हाँ जी, ये दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बहन जी का मायते गांव है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा योगी जी ने गलत बिगाड़ दिया। ये कहते हैं कि हिंदुत्व को एक करते हैं, जातिवाद को खत्म करते हैं, मगर इन्होंने जातिवाद पे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, गुजर और ठाकुर को बांट दिया। हिजाब इस इलाके में मुद्दा है? नहीं, हिजाब यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे हिजाब कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ कोई जातिवाद का मुद्दा भी नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।